नमस्कार, ताल ठोक के मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लव जिहाद के खिलाफ यूपी में जल्द कड़ा कानून लाया जाएगा। बेटियों की इज्जत से खेलने वालों का राम नाम सत्य तय है। वही हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या का मामला पहले से गर्म है। यहां भी लव जिहाद का एंगल है। बल्लभगढ़ में आज महापंचायत बैठी जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई पर गंभीरता से विचार चल रहा है। वहीं हरियाणा के गृहमंत्री ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ योगी का फॉर्मूला सही है, कड़े कानून से ही लव जिहाद रोकेगा। जी न्यूज लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। निकिता का मामला भी सबसे पहले जी न्यूज ने उठाया था। बच्चियों को मजहबी अतिक्रमण से आजादी दिलाने की बात कही थी, तो अब जिहाद पर कानून की बात हो रही है। ये जी न्यूज की ही मुहिम का असर है। लेकिन क्या लव जिहाद से बेटियों की रक्षा का कानून यूपी या फिर हरियाणा में ही बनेगा, बाकी राज्यों में कब बनेगा? तो तालठोक के बड़ी बहस इन्हीं सवालों के साथ। पांच बड़े सवाल, बेटियों की आजादी का अतिक्रमण कब तक? दूसरा, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं लेकिन जान कैसे बचाएं? तीसरा, कानून के चाबुक से बंद होगा लव जिहाद? चौथा, जिहाद पर फुल स्टॉप? वहीं बेटियां बचाने के लिए एक देश एक कानून कब सामने आएगा? तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका मैं तारुफ कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं अनिल विज, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, हरियाणा सरकार के गृहमंत्री। उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं। अनिल विज जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले, योगी जी ने इस बात का ऐलान किया कि जल्द ही राम नाम सत्य तय है, वो लोगों का, उन लोगों का जो कि बहन बेटियों का धर्म बदल करके उनसे जबरन धर्म का करवाते हैं, लव जिहाद की तरफ धकेलते हैं। आपने भी उसका समर्थन किया। मैं क्या मानूं, क्या हरियाणा भी इसी तरीके के एक कड़े कानून के तरफ काम कर रहा है? बिल्कुल, हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि ये लव जिहाद के लिए, बेटियों को बचाने के लिए कोई सख्त कानून लाया जाना चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि देखिए उसमें लव जिहाद का एंगल है। इससे पहले भी कई बातें उठती रही हैं कि सिर्फ एक निकिता नहीं, और भी बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ इस तरीके का कृत्य सामने आ चुका है। तो किस तरीके से फिर आपको लगता है कि इस पूरे जाल को जो है कानून के चाबुक की जरूरत पड़ी, कि अब जरूरत आ गई है कि इसे कानूनी तौर पर ही निपटा जाए? नहीं, बिल्कुल, प्रजातंत्र में जो समाधान होता है वो कानून से ही होता है, कोई खुद हाथ में कानून लेने से नहीं होता है, कोई नियम कायदा कानून बनाना पड़ता है। और मैंने इसमें जो SIT बनाई है, जो निकिता हत्याकांड की जांच कर रही है, उनको मैंने ये भी आदेश दिया है कि वो इस बात की भी जांच करें कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट तो नहीं चल रही है, कई लड़कियों को फंसा कर उनका धर्म बदला कर कहीं ऐसा प्रयास तो नहीं हो रहा है। क्योंकि लड़की के माँ बाप ने भी बार बार बोलकर कहा है, आरोप लगाया है कि हमारी बेटी तो लव जिहाद की शिकार हो गई। तो हम नहीं चाहते हैं कि और बच्चियां शिकार हो, उसके लिए अगर कोई कानून लाना पड़ेगा हम लाएंगे। हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, हम अपनी सहयोगी पार्टी से भी विचार करेंगे और हम दूसरे प्रांतों से भी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि वो भी लाने जा रहे हैं, तो हम उनसे भी विचार करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी विचार करेंगे कि कौन कौन से बिंदु रखे जा रहे हैं, क्या क्या वो कैसा वो कानून बनाया जा रहा है, तो सबसे विचार करके ही हम लाएंगे। और क्या उस, जिसे कहते हैं, विरोध के लिए भी तैयार हैं अगर जो ऑपोजिशन, क्योंकि हमने देखा है कि एक तरीके का चश्मा पहन लिया जाता है जब धर्म विशेष की बात आती है। यहां पर कोई नहीं गया निकिता से मिलने, बड़ा नेता, लेकिन जब हमने देखा है कि हाथरस हुआ था तमाम नेता पहुंचे थे बलरामपुर में, क्योंकि मजहब सूट नहीं करता था वहां, कई नेता नहीं पहुंचे थे। वो अभी से शुरू हो गए, अभी से आपके स्टेटमेंट पे रिएक्शन आ रहे हैं कि लव के साथ जिहाद ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये कानून किस तरीके का कानून होगा, ये तो बेफिजूल बात है। तो उन लोगों को फिर ऐसे, जिसे कहते हैं, उन पॉलिटिकल नैरेटिव को आप कैसे एड्रेस करेंगे फिर? देखिए, कोई भी आप काम करिए, विपक्ष तो, जहां तक हिंदुस्तान का प्रश्न है तो विपक्ष तो विरोध ही करता है, उसका तो चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। हम अपना काम करेंगे और मैं समझता हूं
कि इसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी की बेटियां हैं। और हरियाणा से तो नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ तो हम नारा दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियां इन साजिशों का शिकार हो जाएं, इन जिहाद का शिकार हो जाएं और वो अपनी जान खोए, तो इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अंतिम सवाल मेरा आपसे कि आपको लगता है कि पूरे देश में इस तरीके के कानून की जरूरत है, क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी स्टोरीज की हैं वित्त साहब, आपने देखा होगा जी न्यूज पर, मेवात में बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा ऐसा चलता है नेटवर्क जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। आप एक केस ढूंढने जाइए, वो कहते हैं यहां से 30 से 35 ऐसी हिंदू बेटियां जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा करके ले आया गया। क्या इसमें अब जीरो टॉलरेंस होगी, आगे निकिता या आगे कोई तरीके के मामले नहीं आएंगे? अब वो सीमा क्रॉस हो गई, अब बर्दाश्त करने का कोई प्रश्न नहीं है और अब इसके लिए सख्त कानून लाया जाना जरूरी है, तभी बेटियां बचाई जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज हमसे बात करने के लिए। सीधे तौर पर साफ तौर पर साफ गोही के साथ उन्होंने कहा कि अब सीधे कानून की जरूरत है और अब पानी जो है वो सर से क्रॉस हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ चर्चा में शिलामणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ निखत अब्बास हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता महिला एक्टिविस्ट हमारे पास अली कादरी हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ असगर अली खां हैं मुस्लिम स्कॉलर एंड सीनियर लॉयर, हमारे साथ सूरज पाल अम्मू है कर्णीसेना से, हमारे साथ आचार्य अंकुर आर्या हैं सनातन संस्था से इस वक्त स्टूडियो में, और हमारे साथ ताहिरा साद रिजवी हैं मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। लेकिन सबसे पहले निखत मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि क्या जरूरी है, क्या सच में जैसा अनिल विज कह रहे थे कि पानी जो है वो सर से ऊपर लांग चुका है? हमने तो एक निकिता देखी, ना जाने कितनी ऐसी बेटियां जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें धार्मिक अतिक्रमण से आजादी का कानून के माध्यम से वक्त आ गया। सचिन जी बिल्कुल सही बात है, पानी सर के ऊपर इसलिए चला गया है क्योंकि ये जो लव जिहाद है और आतंकवाद है ना, ये एक स्ट्रैटेजिक वॉर है। और क्या है कि लव जिहाद और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनको खत्म करने की आज इसलिए जरूरत है क्योंकि नहीं तो देश की बेटियां इतने खतरे में रहेंगी कि शायद आप और मैं कभी सोच ही नहीं पाएंगे। जब कट्टरपंथियों को ये समझ आने लगा कि हिंदुस्तान में बंदूक की नोक पर रखकर जिहाद नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया जिसका नाम दिया गया लव जिहाद, और ये कर रहे हैं बकायदा। और ये कोई कल शुरू हुई भी मुहिम नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है, एक पैटर्न बन चुका है और इस पैटर्न को बड़े षड्यंत्र से बड़े अध्याय सांस्कृतिक अध्याय का रूप देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहां पर महिलाओं के पैरों में बेड़ियां बांधी जा रही है, जहरीले तत्वों के आधार पर इन्हें कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। पहले का जमाना और था जब महिलाएं समझ नहीं पाती थी क्योंकि पहले महिलाओं को वो आजादी नहीं थी। आज के जमाने में 2020 में जब महिलाएं जागरूक हो रही हैं, जब महिलाएं आजाद हो रही हैं, तो इन्हें समझ आ रहा है कि ये डोमिनेशन सिर्फ पैट्रियार्कल सोसाइटी का नहीं है, ये वो डोमिनेशन है जिसके तहत आपको मजबूर कर दिया जाता है आपका धर्म परिवर्तन और आपका नाम बदलकर कि आप ISIS के एजेंट बन जाएं, आप आतंकवाद को समर्थन देने लगे और आप अपने आप भी एक जिहादी बन जाएं और अपने आप को शहीद कर दे अल्लाह अकबर कहकर, जबकि ये इस्लाम को नाम करने की बहुत कड़ी साजिश है जो पाकिस्तानियों ने आज कर रखा है ना अपने देश में, वो हमारे हिंदुस्तान में करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर ये है कि आर्मी और सरकार आतंकवादियों के आगे अपना सर झुका देते हैं, यहां पर हमारी सरकार और हमारे आर्मी आतंकवादियों के आगे सर नहीं झुकाते ना, इसलिए औजार बनाया जा रहा है देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को कमजोर कड़ी समझ कर इनको औजार बनाकर इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी कोशिश है और बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द कड़ा कानून आए, नहीं तो ये लव जिहाद इस तरह फैलेगा और इस तरह पनपेगा जिस प्रकार पाकिस्तान जैसे देश में आतंकवादियों को जवाई बना रखा है। हमें जिहादियों को अपना जवाई नहीं बनाना, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कानून आना चाहिए और रिकग्नाइज होना चाहिए लव जिहाद के ही नाम पर। ये सिर्फ मीडिया में नहीं संविधान में बाकायदा सचिन जी लिखने जाने की बहुत बड़ी जरूरत है। ताहिरा साद रिजवी, वक्त आ गया ना अब क्या पानी सर से ऊपर लंग चला है, क्योंकि कोई भी धर्म जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन शादी के नाम पर वो करने के बाद बेटियों को जैसे कहते हैं कि एक आग की भट्टी में चुलस जाने के लिए झोंक देते थे, अब वो वक्त खत्म हो गया। अब ऑल इंडिया कानून की जरूरत है कि वो देश ही क्या जहां पर हम बच्ची ना बचा सके, उन्हें स्वतंत्रता ना दे सके। थाईरा साहब देखिए, जहां तक मेरा सवाल उठता है तो मैं इस एक्ट को ही वो कहूंगी कि अपोज करूंगी। आई विल टेल यू माय रीजन। सबसे पहले देखिए, हम एक सोसाइटी में रहते हैं
जो कि आज की एकदम बनी हुई नहीं है। 2020 इज नॉट जहां से शुरू हो रही है हमारी सोसाइटी। बहुत ही पुराना नाता है हम गंगा जमनी तहजीब का। आप डेफिनेटली जहां तक टेररिज्म आता है आप उसको हर तरीके से कुचल के रख दीजिए, लेकिन दो चाहने वालों को, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो हिंदुइज्म से, चाहे मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, चाहे हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे, आप लड़की को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। वो ऑब्जेक्ट नहीं है। कानून आ रहा है ताहिरा जी, ये कानून उनके खिलाफ। ऐसे तो सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं, दोनों मिलकर के रहते हैं। भाई ये प्यार करने वालों के नाम पर थोड़ा ना कर, प्यार के नाम पर नाम बदल करके जो आसिफ राहुल बन जाता है, फिर वो जाकर के किसी निकिता को राहुल बन के मिलता है, फिर घर में धर्म परिवर्तन कराता है, उसका अपहरण की कोशिश करता है। आपने देखा होगा निकिता का मामला, अपहरण की कोशिश करता है, घर वालों से दबाव डलवाता है, वो नहीं मानती है तो गोली मार देता है। ये उनके खिलाफ कानून है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। एंड डिसीविंग, ये तीन चार चीजें तो हमारी लॉ में है ही। अगर किसी ने आपको चीट किया है, आपके पास लॉ हमेशा से खड़ी है, एक नई लॉ बनाने का क्या जरूरत है, मेरी नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको किसी ने डिसीव किया, अपना नाम बदला, अरे आप धड़ल्ले से जाइए और कहिए, हम धड़ल्ले से जाते हैं। मगर ये लड़की लड़का जो है वो लड़की से शादी कर रहा है, आप लड़के को नहीं कह रहे हैं, इंटरफेथ रिलीजन मैरिजेस होती है। ताहिरा जी एक सवाल के जवाब दीजिए जी। हाँ, कि जब इंटरफेथ मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में संविधान में होती है, तो ये ऐसा क्यों है कि एक बेटी क्योंकि नाम नहीं बदल रही, या तो उसका अपहरण करने की कोशिश होती है, उसे गोली मार दी जाती है बंदूक की नोक पर उसे जबरदस्ती, या तो वो लव जिहाद के तहत अपना धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन कर दे, नहीं तो कई लोग आके उन्हें मार देंगे, या फिर उन्हें जिंदा आग लगा दी जाएगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तो ऑलरेडी मैरिजेस जायज है ना, वो करिए। जब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के संविधान को रौंदने की कोशिश दिखती है ना, तब लव जिहाद का नाम सामने आता है। मैं जानना चाहती हूँ आप इसके सवाल का जवाब दीजिए किसी तरह का। और दूसरा, तौसीफ और रेहान ने गोली चलाई, ठीक है, एक सेकंड, 30 सेकंड, ओके ठीक है मेरे और जर्नलिस्ट है, 30 सेकंड, ताहिरा साहब नहीं कहा पाता, ओके ठीक है ताहिरा साहब, 30 सेकंड आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद में बाकी पैनलिस्ट के पास जाता हूँ। ताहिरा साहब जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल, बहुत मुझे ऑनर कि आपने बहुत एक इम्पैक्टेंट प्ली यहाँ पे रखी है। इट्स अंडरस्टैंडेबल, स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, और वही हम एक रेगुलर इंसान के उस पे कि अगर एक कपल है, वो चाहे मुसलमान लड़का हो हिंदू लड़की, लड़की हिंदू लड़का, यहाँ लड़की की बात क्यों हो रही है? बाय द पेट्रियार्की, आप इन जनरल कहिए कि हम स्पेशल मैरिजेस एक्ट को आइडेंटिफाई करिए। आप ये क्यों इसको इतना ज्यादा लड़की के ऊपर क्यों कर रहे हैं? अपनी मर्जी से कंसेंशुअल उसे कहते हैं, मेरी बहन आप बात कर रही है, अपनी मर्जी से दो लोग प्यार करते हैं और एक दूसरे का धर्म चेंज नहीं करते हैं, एक दूसरे का धर्म चेंज नहीं करते हैं। मैं उस लव मैरिज का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूं कादरी साहब। क्यों मौलाना कादरी साहब, फिर उसमें तो सब जायज है, फिर उसमें तो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से भी शादी कर सकता है, और मुस्लिम लड़की जो है वो हिंदू लड़के से भी शादी कर सकती है, एक हिंदू लड़की मुसलमान के घर भी आ सकती है, लेकिन धर्म परिवर्तन धर्म चेंज करना वो सिखाता नहीं। क्यों कादरी साहब, एक सेकंड कादरी साहब, ताहिरा जी अगर मैं ताहिरा जी के तर्क को मानूं, एक सेकंड असगर अली आता हूं मैं, अगर मैं ताहिरा जी के तर्क को मानूं तो अली कादरी फिर ये तो जायज दोनों तरफ होगा ना भाई। अगर इस कानून की जरूरत नहीं है, अगर ठीक है आपने कहा कि उन शोधों का इलाज जरूरी है, लेकिन अगर इस तर्क की जरूरत नहीं है, फिर तो मुस्लिम लड़की भी हिंदू के घर में जा सकती है ना बिना धर्म परिवर्तन, ये जायज है कि नहीं है? देखिए साहब, मैं तो आपको इससे पहले के भी डिबेट में बता चुका हूं कि इंटरकास्ट मैरिज पर ही पाबंदी लगा दी जाए, ताकि मुसलमान औरत भी महफूज रहे और हिंदू औरत भी महफूज रहे। रहा सवाल लव जिहाद, ये एक अभी जो कुछ खातून बोल रही थी, ऐसे लग रहा था कि ये जो है नागपुर से स्क्रिप्ट पढ़कर आई है और आपके चैनल पर बैठकर पढ़ रही है, तो ये किस्म से सिर्फ मुसलमानों को गोली मरवा दो, गलत है। निकट अब्बास को गोली मरवा दो, अरे भाई गोली मरवा दो निकट अब्बास, ये हिंदुस्तान यही चाहते हैं, गोली मरवा दो। असल में जो महिला लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठा देगी ना, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन दुकानों को बंद करने से ये डरते हैं, और यही वजह है जो बेटी को खुलेआम मारा जा रहा है और आप लोग चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं।
डरते हैं ना, वो क्या करें, हम डरते के साथ बोल देते हैं, नहीं करते हैं। सर से लड़का तो लड़की से शादी करेगा, हमें तब लगती है। मैम वही लड़की भी तो यहाँ से जा रही, तो मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि ये तो बंद कर दो, शादियाँ बंद करवा दो। मुझे एक बात बता दी ना ताहिरा जी, ये तो ये कह रहे हैं कादरी साहब, आपने सुन लिया, निकट एक सेकंड, सूरज पाला मुंह एक सेकंड, बीच में नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना ताहिरा जी, तभी ले मैंने यहाँ पर अली कादरी को बीच में लेकर के आया। आप तो कह रही हैं, आप तो यहाँ पर मोहब्बत के परवाने गढ़ रही थी, वो तो कह रही हैं कि बच्ची की इजाजत ही नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक नहीं, मुझे बताइए ना, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ एक सेकंड। अगर आप कह रही कानून की जरूरत नहीं है, धार्मिक आजादी बच्चों को ऑलरेडी है और धार्मिक अतिक्रमण नहीं हो रहा है। एक सेकंड, अली कादरी, फिर उसके बाद सूरज पालम। अली कादरी, क्या मुस्लिम लड़की की भी इजाजत है ना, वो भी फिर अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, कानून की जरूरत नहीं है किसी हिंदू लड़के के साथ? देखिए साहब, गंगा जमुना तहजीब अलग बात है, इस्लाम के प्रैक्टिस अलग बात है। इस्लाम में किसी भी गैर मजहब से शादी करने की इजाजत नहीं है, ताहिरा जी सुन लिया, नहीं कर सकते हैं। मतलब होता देखिए, एक बड़ी ही क्लियर है, हम लार्जर पिक्चर को देख रहे हैं, हिंदुइज्म में भी और इस्लाम में भी, दोनों में आप अपने रिलीजन में रह के शादी। सवाल ये है, सूरज पाला मुंह यही है ना कि अली कादरी बहुत अच्छे से कह देते हैं। सूरज पाला मुंह जवाब दीजिए, फिर उसके बाद चलो मानी मैं आपके पास आता हूँ, फिर आचार्य अंकुर बताइए। सर ये जो कट्टरवादी लोग हैं, इन्होंने जिस प्रकार से उस निकिता तोमर को गोली मारी, ये निकट अब्बास को भी मरवा देंगे। इनके धर्म में तो यह है कि तुम्हारे धर्म में कोई आ जाए, तुम्हारे धर्म से कोई ना जाए। राहुल राजपूत की हत्या कर दी गई दिल्ली के अंदर, तबरेज अंसारी को किसने मारा, बहनुखा को किसने मारा, जुनैद को किसने मारा? वो लव जिहाद था, अरे वो लव जिहाद था क्या? अली कादरी कहां निकल जाते हैं आप, कौन सी बस पकड़ लेते हैं? वो लव जिहाद था क्या? अरे वो लव जिहाद था क्या? आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? अरे तौसीफ और आंखें बंद क्यों हो जाती है सर? वो जो लड़की को पकड़ करके जबरन, लड़की को पकड़ करके जबरन गाड़ी में धकेल रहा था, 2 साल से पीछा कर रहा था, परिवार कह रहा था धर्म परिवर्तन कर लो, ये सिखाता है इस्लाम? आप कहते हैं इस्लाम गैर मजहबी शादी की इजाजत नहीं देता। सूरज पाल मुंह बोल दीजिए, फिर उसके बाद ठीक है। एक सेकंड, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। एक एक तौर पर नहीं देता, कतई तौर पर नहीं देता, सही बात। इस्लाम में गैर मजहब से शादी की इजाजत नहीं। हाँ तो दूसरे मजहब की, अच्छा दूसरे मजहब की लड़की को ले आओ, अगर वो नहीं मान रही है तो। एक सेकंड सूरज पाला मुंह। अच्छा अली कादरी, अच्छा इस्लाम इजाजत नहीं देता। एक सेकंड सूरज पाला मुंह, एक सेकंड। इस्लाम इजाजत नहीं देता किसी और धर्म में शादी की, तो वो जो इस्लाम धर्म का लड़का किसी और धर्म की लड़की को जबरन अपने धर्म में धकेलने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए क्या सजा फिर कौन है वो आपकी नजर में? नहीं करना चाहिए, गोली मार देता वो, ये नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, वो मुसलमान है, उसको सिखाइए ना उस लड़के को सिखाइए ना, सीखे भी तो वो लड़की, उसको गोली मार दी। आचार्य अंकुर, एक सेकंड, उसके बाद असगर अली, एक सेकंड। आचार्य अंकुर बोलिए, सचिन भाई, ये दो यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर जानते हैं कि इनकी जो किताब है उस किताब की आयत संख्या 2221 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी भी गैर इस्लामिक महिला से, लड़की से शादी नहीं कर सकता है जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए। अली कादरी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे यहां पर शादी नहीं हो सकती है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जब तक वो कन्वर्ट ना कर ली जाए, स्पष्ट कहा गया है। और ये तो यही बात नहीं, शादी की बात है, दोस्ती तक भी वाजिब नहीं है। एक इस्लामिक व्यक्ति को उनकी किताब के अनुसार गैर इस्लामिक व्यक्ति से दोस्ती भी करनी जो है वो इनके शरिया के हिसाब से, इनके कानून के हिसाब से गैर मजहबी है, वो दोस्ती तक नहीं कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहां पे सब कह रहे हैं कि कानून नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? स्पेशल एक्ट हमेशा बनते हैं जब देखा जाता है कि किसी एक समुदाय के ऊपर इस तरीके के अपराधों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनको स्पेशल एक्ट के तहत लिया जाता है, और वो एट्रोसिटी कानून हो चाहे महिलाओं की सुरक्षा का कानून हो, इसी प्रकार से इसको महिलाओं की सुरक्षा के कानून के तहत ही ये लिया जाना चाहिए। और लव जिहाद में अभी तक बहुत सारी लड़कियां जो मारी गई हैं, और सबसे बड़ी बात, अभी तक यहां मेरी बहन बैठी हुई है ताहिरा साहब, वो एक बार भी ये नहीं कह रही है
कि जिन बच्चियों की हत्या हुई है इस्लाम जिहाद के दौरान उनके प्रति उनकी जरा सी भी मार्मिकता अभी तक देखने में नहीं मिली। वो लगातार कहती चली जा रही है कि कानून नहीं बनना चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए। अरे मेरी बहन, आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो। आप एक बार ये नहीं कहा आपने कि अभी जो राहुल और ये जो अभी केस हुआ है सचिन भाई, राहुल हिंदू नाम रख करके तब जाकर के निकिता के साथ में दोस्ती की, उसके पीछे पड़ा, नाम बदल के ये काम हुआ। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर ओम का निशान था लड़की के हाथ पर, सुनिए सुनिए, ओम का निशान था, सिगरेट से दाग दाग करके उसको खाया गया, फिर लड़की को मारा गया। और आपके मुंह से एक बार भी बात नहीं निकली कि हमारी बहन बेटियां मर रही है। आप अगर दूसरे मजहब की हैं तो हिंदू बच्चियां मर रही हैं तो आपकी कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं है? एक बार भी संवेदना प्रकट नहीं किया आपने? ये कैसे इंसानियत है आपके अंदर? बहन बेटी सबकी बराबर होती है। आपको सबसे पहले इस बात पर बात करनी चाहिए थी कि हाँ, हम मानते हैं कि इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं और अगर सरकार को कानून को लगता है तो बनाना चाहिए। प्यार, जब से आप प्यार प्यार की बात कर रहे हैं, अरे प्यार में तो बहुत सारे लोग साथ रह रहे हैं, लेकिन जब प्यार है तो मजहब क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि इनकी किताब कहती है कि मजहब बदलना है। अस्कर अली मैं आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास ही। चलो मनी त्रिपाठी, इसका मतलब मैं ये मानूं कि अली कादरी जैसे लोग जिनको ये लगता है कि लव जिहाद है ही नहीं, दूसरे की मजहब में शादी नहीं हो सकती, लेकिन जब वही लड़का दूसरे मजहब की लड़की से अपना नाम बदल करके गोली तक मार देता है, अब उनकी खैर नहीं। या अगर मैं कहूं योगी के लफ्जों में कि अब उनका राम नाम सत्य तय है। आपने बहुत देर बाद आपने वक्त दिया है, मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा वक्त मुझे देंगे मेरी बात रखने के लिए। अभी आपने देखा कि किस तरह से निकिता तोमर के साथ हुआ, सब कुछ खुलकर सामने आ गया कि धर्म परिवर्तन नहीं किया इसलिए गोली मार दी गई दिन दहाड़े सड़क पर। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वहां पर दलित समाज की एक बच्ची थी, उससे नाम बदलकर एक मुस्लिम लड़के ने दोस्ती की और जब उस लड़की की शादी तय हो गई तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, तुम मुझसे शादी करो और तुम धर्म परिवर्तन करो। दलित समाज की बेटी नहीं तैयार हुई, उसको लास्ट में मिलने के लिए बुलाया कि एक आखिरी बार मुझसे मिल लो और मिलने के दौरान उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके साथ ही साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि आप नाम बदलकर दोस्ती करते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जो लोग मोहब्बत की पैरोकारी कर रहे हैं कि ये कौन सी मोहब्बत है जो आपको पहले कहती है कि पहले धर्म बदलो उसके बाद मोहब्बत करेंगे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है वो इलीगल है, नाजायज है। और उसी बात को लेकर मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, हम कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं क्योंकि अब हम किसी निकिता को नहीं मरने देंगे, अब तौसीफ भुगतेगा, अब जुबेर भुगतेगा। अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर कोई इस तरह का प्रयास करता है तो इस तरह में कड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर हम बड़ा कानून बनाने जा रहे हैं और पूरे देश से मांग उठ रही है। सबसे बड़ी बात सचिन जी, इस पैनल पर आप देखिए कि लव जिहाद को लेकर अगर कोई कानून बनता है तो वो हर समाज के लिए बनेगा, कोई भी कानून किसी एक समाज के लिए नहीं होता। लेकिन आखिर कौन से लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इसी से उनका चेहरा उजागर होता है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे उनका मकसद साफ है, उनकी नीयत साफ है, कन्वर्जन करना है, एक खास बिरादरी को, एक खास धर्म को टारगेट करना है। इसलिए इस तरह के कानून को, जिसका अभी प्रारूप स्पष्ट नहीं है और कोई भी कानून हर समाज के लिए होता है, उस कानून का विरोध करना अभी से शुरू कर दिया है। इसलिए क्योंकि उनका जो मिशन है, उनकी जो अपनी कोशिशें हैं, नापाक कोशिशें, वो उसमें अड़चन पैदा होगा। और मैं तो आपको घटना बताऊंगा, कानपुर की घटना हुई, उसमें बहुत ही गरीब परिवार का मुस्लिम लड़का था जिसने नाम बदलकर शादी की और बाद में जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो उसकी तरफ से नामी गिरामी और पैसे खर्च करके वकील खड़े हो गए। बाद में यह पता चला कि पीएफआई जैसे संगठन, उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने बकायदे फंडिंग की, कोर्ट में उस पूरे केस को लड़ा। आप इसके पहले जानते हैं केरल में भी इस तरह का केस लड़ा गया जिसमें एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों ने फंडिंग की। तो जो प्यार इस तरह की घटनाओं का परिणति में बदलता है, जिसमें बेटी गायब होती है और बाद में सूटकेस के अंदर मिलती है, ऐसा प्यार स्वीकार नहीं है। इस पर कानून बनाएंगे और अगर कोई इस तरह की जरूरत करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जैसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जनसभा में दिया। हमको लगातार कहते चले आ रहे हैं ना शलमणि कि भाई ऐसा है कि एक कानून ये सिर्फ यूपी और हरियाणा तक ही क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं होता, पूरे भारत में लव जिहाद पर स्ट्राइक कब होगी? और असगर अली खासा, माफी चाहता हूं आपके पास थोड़ी देरी से आया, लंबा पैनल था, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी कह दिया ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह रहा है कि शादी के लिए कोई धर्म बदलना थोड़ा ना जरूरी है। जो अली कादरी जैसे लोग कहते रहते हैं इस पर चुप्पी साध लेते हैं कि देखिए इंटरकास्ट मैरिज नहीं, लेकिन हाँ दूसरे धर्म का कोई आए तो उसका धर्म परिवर्तन कर दो। और दूसरा यह कि मैं शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना तो कतई स्वीकार्य नहीं है, तो फिर इसको लेकर के यूएन क्राई क्यों? फिर तो होना चाहिए कानून। देखिए कोर्ट के हवाले से तो सचिन जी अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यह, जिस टॉपिक पे बात हो रही है लव जिहाद, आई फेल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव जिहाद। कोई भी मुझे बता दे कि
लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है, मुझे तो किसी डिक्शनरी में ये मिला नहीं आज तक। लव जिहाद है क्या? आप क्यों इस बात को इस तरीके से लेते हैं? क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्यों हमारे आपस का प्यार खत्म कर रहे हैं? क्यों कम्युनलिज्म फैला रहे हैं? क्यों सेक्युलर मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? मतलब लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। आपका प्यार होना अजहर अली जो की वरिष्ठ वकील है, कानून का सवाल है, अजहर अली जो की वरिष्ठ वकील है, उनकी नजर में लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम वैसी नहीं है, नहीं लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं। किस कहते हैं लव जिहाद? आपने जो एग्जाम्पल दिए है वो सिर्फ वो एग्जाम्पल है। सचिन साहब सुन ले, जितने पैनलिस्ट ने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो है जो उनकी नॉलेज में है, और दूसरा एग्जाम्पल भी उनकी नॉलेज में है, लेकिन अपने मतलब के एग्जाम्पल हर आदमी यहाँ बैठ के देता है। जो दूसरे हिंदू लड़की भी मुसलमानों के साथ जाती है, मुस्लिम लड़की भी हिंदू, तो उनके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? सर मैं तो कह रहा हूँ हिंदू लड़का कभी मुसलमान बनकर शादी नहीं करता। उस कानून को लगाता नहीं है वो कानून। अब किसी घटना को लेकर आप बात करते हैं, अगर आप बल्लभगढ़ की घटना को लेकर बात करते हैं, वो एब्डक्शन का एक केस है, उसके लिए ऑलरेडी हिंदुस्तान के कानून इंडियन पीनल कोड में पहले से। सर क्यों बचा रहे हैं उस तौसीफ को? मुझे एक बात बताइए ना, किडनैपिंग लगा लीजिए, अब्डक्शन लगा लीजिए। परिवार चीख चीख के कह रहा है निकट, परिवार चीख चीख के कह रहा है। एक सेकंड अजगर अली खान साहब आपकी आंखें बंद हो जाती है, चलो मैं आता हूँ आपके पास। निगत अब्बास परिवार चीख चीख के कह रहे हैं, वो माँ चीख चीख के कह रही है कि निकिता जब घर से बाहर निकलती थी तौसीफ नाम बदल कर उसका पीछा करता था। घर वाले कहते थे कि तेरा अपहरण हो गया, तू शादी कर ले वरना ऐसा तेरे से शादी कौन करेगा। ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं, फिर तू कहीं की रहेगी नहीं, वो फिर भी घर से बाहर निकलती है, वो धर्म नहीं परिवर्तित करती है, गोली मार दी जाती है। इसका मतलब असगर अली खान, या तो धर्म बदलो या फिर गोली खाओ, क्योंकि अब्डक्शन होता ही होता है, लव तो कुछ होता ही नहीं है। तौसीफ ने प्यार किया था है ना, निकिता ने स्वीकार कर दिया, तो उसकी गलती है। निकिता अब्बास जवाब दीजिए, अब्डक्शन हुआ अब्डक्शन के लिए क्या इंडियन पीनल कोड में पहले? यही दिक्कत है कि ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं। मेरी बात अजगर जी और तमाम लोगों को आपके साथ साथ तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी कि जिहाद जो है वो इस्लाम का पार्ट नहीं है, और लव जिहाद इस्लाम का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए अगर आप कहीं ना कहीं आप इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, लव जिहाद के लिए अगर आप डिफेंसिव हो रहे हैं, तो आप इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, ये समझ जाइए। आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है, या फिर आपको नाम बदलने की जरूरत है। अगर आप उस चीज का समर्थन करते हैं ना, तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि कहीं आप विभिन्न संगठनों के साथ तो नहीं खड़े हो जाते। डुबाने की कोशिश करिए, हत्या करने की कोशिश करिए। आप कह रहे हैं कि लव और चीटिंग दोनों में फर्क होना चाहिए। आप जैसे लोग बैठकर हिंदुस्तान के चैनलों पर मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, मुझे आवाज थोड़ी धीरे करनी पड़ेगी। अपना कमेंट थोड़ा छोटा रखिए, अपना कमेंट थोड़ा छोटा रखा कीजिए। मुझे एक बात बताइए ना, ताहिरा साहब अब भी कहती है लव जिहाद नहीं होता, या उसको किस चश्मे से देखेंगी कि एक लड़का नहीं, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, एक लड़का नाम बदल, एक मुस्लिम लड़का नाम बदल करके हिंदू लड़की का पीछा करता है, प्यार का छलावा देता है, पता लग जाता है तो कहता है या तो धर्म परिवर्तन कर वरना मैं तुझे मार दूंगा। वो कर लेती है धर्म परिवर्तन तो उसका क्या सजा होता है, तो क्या होनी चाहिए उसकी सजा? अगर वो नहीं करती तो उसे गोली मार दी जाती है, वो आपकी नजर में क्या है? वहाँ एजेंडा ही वो, हाँ मोहब्बत ही नहीं था एजेंडा, वो चीटिंग ही था एजेंडा टू बिगिन विद। अगर आपने नाम बदल लिया चाहिए ना, इस वक्त मैं ताहिरा हूँ, उसके लिए कानून होना चाहिए ना, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। कानून आप बट सिमिलरली फॉर एवरीवन, आप लड़कियों को इतना पेट्रियार्कियल नजर से क्यों देखते कि लड़की नीड्स प्रोटेक्शन? सबको देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड कानून के चीट मत करो, किसी को भी चीट नहीं करो, मोहब्बत करनी है करो, स्पेशल एक्ट अवेलेबल है, चीट नहीं करते। अरे अगर आपकी बेटी मारी जाती है, आपकी बेटी को मैं गोली मार सकता हूं? अगर उसको अगर पहली चीट सही था या गलत, आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे दोनों तरफ से चीटिंग होती है, मैं जब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई हिंदू लड़का मुसलमान बनके इस प्रकार की चीटिंग करी हो और वो परिवर्तित ना हुई हो और हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को गोली मार दी हो, आप बस एक उदाहरण बता दीजिए और मैं आपको 100 गिनवाता हूँ। एक एक उस पे तोलना है दोनों को,
आप कह रहे सेम है, दोनों तरफ से दोनों तरफ से एक उदाहरण तो दीजिए। पुरानी लॉ यानी कि सब गलत चलता चला रहे, बताइए ना आप, एक उदाहरण दीजिए। इधर उधर की बातें मत कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, सबको आप बदनाम नहीं कर सकते हो। जिसका नाम वही बोलिए, निकट मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, निकट मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जिसका नाम वही बोलिए, एक एक करके बोलिए। ओवरलैपिंग मेरे चैनल पर मेरी डिबेट में नहीं होती है। निकट अगर आपको आवाज आ रही है मुझे मजबूर मत कीजिए, अपना अपना जो ऑडियो है वो थोड़ा नीचे करने के लिए। अभी जो है नहीं, एक सेकंड तायरा साहब बोल रही थी, काउंटर कर रहे थे, एक सेकंड तायरा साहब बोल रही थी, काउंटर कर रहे थे अंकुर। ये अंकुर ने एक सवाल पूछा है, अंकुर दोबारा वो सवाल पूछ दीजिए, फिर उसके बाद मैं शलभ मनी आपके पास आता हूँ। ठीक है बोलिए। मैं तायरा जी से ये पूछना चाहता हूँ, तायरा जी तब से ये कह रही है कि तो दोनों तरफ से होता है, चीटिंग दोनों तरफ से होती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ से तो हमने पूरा का पूरा पक्ष बता दिया, दूसरी तरफ का चीटिंग का एक पक्ष आप बता दीजिए, एक कोई बता, इधर उधर की बात ना करके सिर्फ एक उदाहरण दीजिए। मैं डिबेट पे तू मैं नहीं करने आई हूँ, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी लॉ है, तो हम इस लॉ के तहत बिल्कुल जो चीट कर रहा है कोई आंसर नहीं आपका। अगर वो लेकर के आया कि निकिता हमारी बहन थी, आप निकिता का नाम ले सकती हैं तो किसी और का भी नाम ले दीजिए, हो तो दें। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का, किसी भी लड़की का, किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन जबरन करवाना, धार्मिक अतिक्रमण करना, फिर मार देना, और मैं बिल्कुल जायज नहीं है। मैं धर्म की लड़की बराबर है, मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि हिंदू लड़कों से शादी करने के बाद मुस्लिम लड़कियों के नाम तक परिवर्तित नहीं हुए, नाम तक परिवर्तित नहीं हुए मुस्लिम लड़कियों के हिंदू घरों में आने के बावजूद, और वो अपने रिचुअल्स जो के क्यों कर रही है, उसको प्यार कहते हैं बहन जी, प्यार वो होता है, ये नहीं होता इधर उधर की आप जो बात कर रहे हैं। अब वही बात है कि अब हम कहे कि ऐसा किसी और के साथ ही है, तो की कमी है, क्योंकि वैसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि हिंदू इस मामले बहुत सहिष्णु है, वो प्यार करता है तो दिल से उसको निभाता है, बात बहुत क्लियर है, और स्टार्टिंग के कमेंट में आपको बता दिया है कि ये चीजें कहां से निकली है। हो सकता है मौलाना कादरी के पास हो, मौलाना कादरी आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल, मौलाना कादरी कुछ आपके पास ऐसे एग्जाम्पल, किसी हिंदू ने इस तरीके से जो है मुस्लिम धर्म की लड़की से जो है नाम बदल करके मुस्लिम धर्म की शादी की हो, फिर उसे गोली मार दी हो, ऐसे कोई एग्जांपल? मैं बोल रहा हूं ना, सुनिए आप, मैं बोल रहा हूं, और प्लीज किसी को इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। देखिए साहब, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि ये गोली मारने की जो हरकत हुई है, हम उसकी ताइद खतई नहीं करेंगे, उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। रहा सवाल कई ऐसी मुस्लिम लड़कियों की, मिसाल मैं दे सकता हूं, जो नाम बदले बगैर अमलन प्रैक्टिकली वो हिंदू हो चुकी है। आपके चैनल पे भी कई ऐसी लोग आते हैं, और हमारी संसद में भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो इस्लाम के खिलाफ पूरा काम करते हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, तो वो बाई फोर्स ये हरकत करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में करते हैं, ये हमें बदले बगैर प्रैक्टिकली हिंदू हो चुकी है। बताएंगे कि इस्लाम के खिलाफ क्या है कि अगर लड़की अगर अपनी मर्जी से मंदिर जा रही है, अपनी मर्जी से किसी से शादी कर रही है, तो आप बताएंगे इस्लाम क्या है और क्या नहीं है? आप बताएंगे उसकी इस्लाम में जगह नहीं है, निगत उन्होंने बता दिया इस्लाम में जगह नहीं है, निगत की इस्लाम में जगह नहीं है, बता तो दिया उन्होंने, जगह नहीं, ये देखिए उसकी जगह ही नहीं, जगह नहीं है, उसकी जगह ही नहीं है। ताहिरा ये देखिए, आप ताहिरा जिस पैनल में बैठी हैं, आपके साथ के एक मौलाना बैठे हैं, अब ये देखिए कौन से प्यार के तोते उड़ा रहे हैं, ये देखिए कौन से प्यार के तोते उड़ा रहे हैं, जगह ही नहीं है। कोई अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो प्रैक्टिकल हिंदू होगा, सीखने की जरूरत नहीं है, खतई तौर पर नहीं होगा, इस्लाम जिस चीज की इजाजत देता है बताने वाले वही इस्लाम होगा। आपके बोलने से इस्लाम नहीं बदलेगा, बदलना है नहीं बदलना, या उसे नमाज के साथ पूजा करनी है नहीं करनी, वरना गोली मार देंगे ना, जैसे राहुल को मार दिया। नमाज भी पढ़ूंगी और भगवान, अगर किसी लड़की ने कर दिया, एक सेकंड अली कादरी, अगर उसकी इजाजत नहीं है, अली कादरी अगर उसकी इजाजत नहीं है, अली कादरी अगर उसकी इजाजत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक मुस्लिम लड़की ने अपनी मर्जी से बालिग होने के बाद, सुनिए, एक मुस्लिम लड़की ने बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से किसी हिंदू लड़के से शादी करने की इच्छा रखी या कर ली, तो आपकी नजर में उसकी क्या सजा? क्या वो मुस्लिम नहीं रही? आपने उसको खारिज कर दिया, आपके पास अथॉरिटी है, क्या हुआ? देखिए साहब, कुरान में ये बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। कुरान में साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि गैर मजहब से शादी करने पर वो निकाह नहीं हो सकता, खतरा कर दिया तो
अगर कर लिया तो नहीं, अगर कर लिया तो, अगर कर लिया तो, अगर कर लिया तो, अगर हो गया तो नहीं, अगर कर लिया तो, अगर हो गया तो लड़के को गोली मार दो, जायज है क्या? लड़के को गोली मारना जायज हो गया? फिर गोली नहीं मारेंगे, क्या करेंगे फिर? इस्लाम से खारिज है, खारिज है, खारिज गोली मार के तो करते हैं शलमणि त्रिपाठी। ऐसो को तो ठीक करना फिर आपने, काफी देर से आप आते हैं। एक सेकंड अस्कर अली आ रहा हूं, उसके बाद एक शलमणि त्रिपाठी, फिर उसके बाद अस्कर अली, फिर सूरज पालमू। ये तीन, शलमणि त्रिपाठी, असगर अली, सूरज पालमू, बोलिए शलमणि त्रिपाठी। देखिए मैं तब से सुन रहा हूं कि एक साहब इस्लाम के ठेकेदार बनके सबको नसीहत दे रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी कठमुल्ले के फरमान से नहीं चलेगा। और जहां तक बात कानून की है तो ट्रिपल तलाक के भी ये साथ खड़े थे ना, और कानून बन गया, कांग्रेस की सरकार ने भरपूर मदद करने का प्रयास किया, लेकिन आज ट्रिपल तलाक जो दे रहा है वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। कानून इस बात का भी नहीं था ना कि पोस्टर चिपकेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दंगाइयों उपद्रवियों के पोस्टर चिपकाए ना, उनके घरों की कुर्की करा के वसूली कराई ना, लव जिहाद को लेकर भी कानून बनाएंगे। और ये देश, मैं फिर कहता हूं कि ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी कठमुंडे के फरमान से नहीं। तो आप बोलते रहिए, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप हलाला जैसी जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, उसके पक्ष में खड़े होते हैं, आप ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े होते हैं, आज भी आप लड़ाई कर रहे हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े ना, आप फिर दौड़ने को तैयार रहिए, लव जिहाद को लेकर इतना तगड़ा कानून बनाएंगे कि आपकी नींद उठ जाएगी। एक दो असगर अली जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद सूरज पालम। असगर अली, असगर अली की आवाज सिर्फ, क्योंकि मेरे वक्त बहुत कम है, असगर अली की आवाज, फिर सूरज पालम। देखिए, एक तो जो आप मिसालें दे रहे हैं, अगर इस्लाम से इस चीज को अलग करके, मुल्क का कानून अलग है, इस्लाम अलग है, अगर कोई ऐसी, जो अभी कादरी साहब कह रहे थे, अगर कोई ऐसा लड़की कर लेती है तो इस्लाम से खारिज है, ये तो इस्लाम की बात होगी, ये मजहब की बात होगी। कानून तो आपका है, इस मुल्क का कानून है, जो कानून है वो कानून है। अगर कोई, जो बल्लभगढ़ की भी घटना है वो ये है कि एबडक्शन की घटना थी, उसके बाद मर्डर हुआ, वो धर्म के नाम पर कर रहा है ना, पहले से धर्म के नाम पर परिवर्तन कर रहा है, वो धर्म के नाम पर जबरन कार्रवाई कर रहा है, वो धर्म के नाम पर शादी करने की कोशिश कर रहा है। जब जब एंगल ही सब कुछ धर्म का आ गया तो धर्म अलग कैसे हो सकता है? सुनिए, कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं आपके पास कि नाम बदल के मोहब्बत की गई हो, एक नहीं हजार है, एक नहीं हजार है। या अंकुर अगर गिनवाने बैठेंगे तो, अंकुर गिनवाने बैठेंगे तो मेरे पास बात की कमी हो जाएगी। सचिन जी को मैं आपको पीडीएफ, ठीक है, ये व्हाट्सएप आपको कर देंगे। एक एग्जांपल, 50 एग्जांपल, सूरज पालमू जो लास्ट में निकल के 20 सेकंड आपके पास आऊंगा। सूरज पालमू करना आप स्टडी बैठ के उसको अपने घर में आराम से, ठीक है, एक सेकंड सिर्फ सूरज पालमू, उसके बाद लास्ट में 20 सेकंड निकल, ठीक है बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज है, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, आवाज कम कर दे। सर, ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू मुसलमानों की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। ये जो मियां जो धमकी दे रहे हैं ना निकट अब्बास को, ये मुसलमान की बेटी है निकट अब्बास। जरा एक तरफ उंगली लगा के देखें इसको, तुम्हारा इलाज हम करेंगे। अली असगर साहब, एक बात और कहना चाहता हूं, जो योगी सरकार और हरियाणा सरकार जो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाह रही है, उसको लेकर देश में बहुत ज्यादा उसकी सराहनीय, उसके ऊपर जवाब आ रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से इन लोगों को तकलीफ हो रही है, ये हलाला की औलाद बैठा है, किसी कानून की जगह हलाला की औलाद वाले बैठे हैं। एक दो ऐसे मौलानाओं की बात से थोड़ा को ऑर्गेनाइज तरीके से जवाब निकाल दिया और पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। 10 सेकंड मैक्सिमम, 10 टू 20 सेकंड। हलाला की औलाद हो हमारे, ठीक है, निकट अब्बास, हलाला की औलाद हो, लास्ट कमेंट कर, निकट अब्बास 20 सेकंड बस, और तुम देश के कानून को नहीं मानते, कुछ कानून बनेगा पर तुम्हारा इलाज होगा, कहीं के खातिर और बनेगा तुम्हारा इलाज होगा, स्ट्रक्चर लेकर आते हैं, हमें क्या बोल रहे हैं? निकट अब्बास की सिर्फ आवाज, एक सेकंड, एक सेकंड, शालीनता की बात होती है, आवाज उठाते हैं, फिर आप कोई बातें करने लगते हैं। निकट अब्बास लास्ट 10 सेकंड फटाफट। सचिन जी, मेरा पास कादरी साहब से एक सवाल है, जो इतनी बड़ी तकरीर उन्होंने इस्लाम और कुरान पाक के बारे में दे दी। कादरी साहब बड़े मुसलमानों के नुमाइंदे बने फिर रहे हैं, 5:35 का मगरिब की नमाज का वक्त है, टीवी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? ये काम हराम नहीं हुआ, एक औरत शादी कर ले हिंदू से या मंदिर चली जाए वो हराम है, और यहाँ आप टीवी पर बैठ के अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और अपनी नमाज को कजा कर दिया, वो हराम नहीं है? यही आप सबसे ज्यादा निकिता का भी सबसे पहले खबर जी न्यूज ने दिखाई थी, और जी न्यूज की मुहिम है कि हर बच्ची को इंसाफ दिलाना है, जी न्यूज की मुहिम है कि धार्मिक अतिक्रमण से हर बच्ची को आजादी मिलनी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना है और साथ ही साथ बचाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े हुए। वहीं बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि उन्हें नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि कुशासन का सुशासन से कोई संबंध नहीं है। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप।
Crypto. Download it now.